बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और राज्य हज कमेटी का कार्यालय सरोजनी नगर के हज हाउस में शिफ्ट किया जाना पसमांदा मुसलमानों के लिए बेहद ही परेशानी का सबब है। इस संबंध में अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की कुल आबादी का 85% पसमांदा मुसलमान है और हज यात्रियों में 90% हज यात्री पसमांदा मुस्लिम समाज से होते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा पैसा जमा करके हज यात्रा पर जाते हैं। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना बेहद जरूरी है। तमाम मसले आए, उसमें मुंह नहीं खोला उन्होंने। हज कमेटी के दरमियान कमेटी में जो भी असुविधाएं हुई, हज हाउस में जो भी सुविधाएं हुई, लोगों को असुविधाएं हुई, सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार वहां पर गंभीर नहीं हुई। इसलिए हम चाहते ये हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है, मंशा है, वो पूरी तरह से हमारे लोगों को जैसे ऐसा इन अव्यवस्थाओं से लगता है कि परेशान करने जैसा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसमें तमाम बूढ़े लोग, ज़ईफ़ लोग हज यात्रा पर जाते हैं और सरकार इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन हैं हज कमेटी की, इनको हटाया जाए, किसी सुन्नी मुसलमान को उनकी जगह रखा जाए और केंद्र सरकार में भी कोई मुस्लिम समाज के लोगों को ही जगह दिया जाए, ताकि वो हज के तमाम अरकान को, हज की समस्याओं को समझ सके।